हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि बैडमिंटन में बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक करने के बाद उनको ये पता नहीं होता कि वो क्या मिस्टेक एक्चुअल में कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि बैडमिंटन में बिगनर्स के बेसिक मिस्टेक्स क्या है और वो अपने मिस्टेक को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी शुड स्टार्ट। तो सबसे पहले कॉमन मिस्टेक में है रैकेट के ग्रिपिंग चेंज ना कर पाना। बहुत सारे बिगनर प्लेयर को यही नहीं पता कि उनको फोर हैंड ग्रिप कैसे पकड़ना है और बैक हैंड ग्रिप कैसे पकड़ना है, या बहुत प्लेयर को इन ग्रिपों के बारे में पता होने के बाद भी वो फोर हैंड और बैक हैंड ग्रिप को चेंज ही नहीं कर पाते। वो पूरे मैच को या तो फोर हैंड ग्रिप में खेलने लग जाते हैं या फिर बैक हैंड ग्रिप में खेलने लग जाते हैं। ग्रिपिंग को कैसे चेंज करना है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रिपिंग को चेंज करने के बाद ही आप अपने गेम को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और इसी के ही थ्रू आप अपने इस मिस्टेक को भी और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड मिस्टेक में है कि प्लेयर अपने रैकेट को हमेशा नीचे की ओर ही रखता है। इसमें प्लेयर को आपने बहुत तो बार नोटिस किया होगा कि वो किसी भी शॉट को हिट करने के बाद अपने रैकेट को हर बार अपने लेग के क्लोज लेकर के आता है, और ये मिस्टेक अब आपको बिगनर के साथ इंटरमीडिएट प्लेयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये मिस्टेक को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें बस आपको सिंपली ये करना है कि जब भी आप सेंटर खड़े हो तो हमेशा अपने रैकेट को हल्का सा बेंड करके और रैकेट के हेड को अपोनेंट के डायरेक्शन पर रखना है। इसको आप हमेशा प्रैक्टिस के टाइम, वॉल प्रैक्टिस के टाइम, या जब भी आप रैकेट पकड़े तो रैकेट को हमेशा थोड़ा सा ऊपर की ओर बना के रखें। इसी प्रैक्टिस के हेल्प से ही आप अपने रैकेट को मैच के टाइम पे या प्रैक्टिस के टाइम पे हमेशा पाएंगे कि आपने अपने रैकेट को ऊपर बना के रखा है। इसी प्रैक्टिस के हेल्प से ही आप अपने इस मिस्टेक को क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है फुटवर्क। आपने प्लेयरों को बहुतों बार ये नोटिस किया होगा कि वो अपने नॉन रैकेट लेग को हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट कर देते हैं, या उनका फुटवर्क कुछ भी होता है और वो कुछ भी शॉट हिट कर देते हैं जो दिखने में बहुत ही ऑकवर्ड लगता है और एक नॉन प्रोफेशनल प्लेयर जैसा फील होता है। इस मिस्टेक को कैसे क्लियर करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ध्यान रहे कि जब भी आप नेट की ओर जाए तो आपको अपने रैकेट लेग को फॉरवर्ड करना है, साइड गैलरी की ओर भी आपको अपने रैकेट लेग को ही फॉरवर्ड करना होता है। जब आप बैक गैलरी की ओर जाते हैं तो बैक साइड के मूवमेंट के टाइम पे आपका रैकेट लेग पीछे और हिटिंग के बाद आपका रैकेट लेग फिर से फॉरवर्ड हो जाता है। इसका अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो इसके भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जिसके हेल्प से आप अपने फुटवर्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो आई होप गाइज, आपको इस वीडियो से इतना तो ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि बिगनर प्लेयर्स क्या मिस्टेक करते हैं और उस मिस्टेक को वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो बिगनर प्लेयर्स के मिस्टेक के बहुत तो सारे लिस्ट हैं, उसको मैं एक ही वीडियो पे क्लियर नहीं कर सकता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो और आपको और भी वीडियो चाहिए रिलेटेड टू बिगनर मिस्टेक या कुछ भी आपको रिलेटेड बैडमिंटन, तो उसके लिए आप मेरे को ज़रूर कमेंट करें। So that's all for today guys, and thanks for watching.